लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में कहा है कि हमने किसान नेताओं को यहां मिलने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वे उन्हें यहां संसद में नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि वे किसान हैं। शायद यही कारण है कि वे उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे हैं। राहुल गांधी ने संसद में किसान नेताओं से मुलाकात की, जिसमें एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए समर्थन का आश्वासन दिया है। इस मामले में हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा की संसद भवन से खास रिपोर्ट। किसानों का एक डेलीगेशन आज राहुल गांधी के साथ मुलाकात किया है और उसके साथ ही मुलाकात करने के बाद वहां पर एमएसपी को लेकर के जो है वो बातचीत की गई है। बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूरे मुद्दे क्या हैं सर, किन चीज़ों पर आज बातचीत की गई है राहुल गांधी? हाँ जी, जो राहुल गांधी जी के साथ दो मेन मुद्दे थे, जो दो पॉइंट पर बातचीत हुई है और आश्वासन भी दिया है दोनों मुद्दों पर हम भी हम पार्लियामेंट में उठाएंगे। पहला मुद्दा तो जो दिल्ली आंदोलन का, किसान आंदोलन का मेन मुद्दा था, एमएसपी की गारंटी का कानून लाने का, और सरकार पार्लियामेंट में लाए और कानून बनाए तब के ताकि सभी फसलों की जो खरीद की गारंटी, प्रोक्योरमेंट की गारंटी हो सके, ये मुद्दा था। उसने आश्वासन दिया है भी हम इसी पार्लियामेंट सेशन में प्राइवेट मेंबर, क्योंकि सरकार तो गारंटी कानून का बिल नहीं लेकर आ रही, भी हम प्राइवेट मेंबर जो बिल ला सकते हैं, हम प्राइवेट मेंबर द्वारा बिल लाएंगे और जतन करेंगे भी हो डिबेट हो, पास भी जे ना भी होवे तो उन पर डिबेट हुए और वोटिंग हुई। पहली बात ये आश्वासन दिया है। सेकंड आश्वासन दिया है जो 21 फरवरी 2024 में 24 को जो हमारा पंजाब के और हरियाणा बॉर्डर पर पाँच महीने से आंदोलन चल रहा है, और 21 फरवरी को हरियाणा सरकार के जो पैरामिलिट्री फोर्स सी और पुलिस सी, उन्होंने रिप्रेशन किया है। एक किसान की कैजुअलिटी हुई है और 400 के ऊपर इंजर्ड हुए हैं, उनका भी वो जो मुद्दा है जो रिप्रेशन किया है। और अगली बात ये है भी जिन अधिकारियों ने रिप्रेशन किया है, जिन अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने, अगली बात जी हैगी है गजब की बात ये है भी उनको आह 15 अगस्त को हरियाणा सरकार ने राष्ट्रपति वार्ड के लिए उनकी लिस्ट में, अपनी लिस्ट में उन अधिकारी को डाला है, जो कहा भी बहुत यह गजब की बात है, हम पार्लियामेंट में उठाएंगे भी यह जलियांवाला बाग। आप लोगों का पास भी नहीं बन रहा था, तो पास किस तरह से बना और क्या मतलब जो है वो दिक्कतें हुई? हमारा पास तो बन गया था, हमारे आईडी कार्ड वगैरह भी ले लेते, पर उनकी कोशिश थी भी लेट हो जाए कभी, क्योंकि हमको 11 बजे का टाइम दिया था सवेरे, पर असी 11:30 मतलब 12:30 बजे तक वेट करते रहे। उनकी कोशिश थी भाई जो समझ लो सिक्योरिटी वाले सी जा सरकार की कोशिश थी भी बातचीत ना हुई, क्योंकि उनको पता था भी 12 बजे का टाइम दिया है राहुल गांधी जी ने, और उसके बाद उनके पार्लियामेंट में बोलना भी था भी वो टाइम स्पीच थी, मुद्दे उठाए जाएंगे आपके, उनको इस बात का डर है? हाँ हाँ, भी जे है रखेंगे और मीडिया में जाएंगे और पार्लियामेंट में आएंगे, इनकी बातचीत ना हुए इसको, पर फिर भी हम वेट करते रहे। आपका कहना है कि सरकार का प्रयास है कि किसानों का मुद्दा संसद तक ना पहुंचे दोबारा? बिल्कुल प्रयास था, इसीलिए तो लेट किया है, पर जब हम प्रेशर डाला भी हमारे कार्ड बने हुए है पार्लियामेंट के अंदर जाने के लिए, हमारे पास भी बने हुए, मंजूरी भी मिली हुई है, अनुमति मिली हुई है, तो हम जाने क्यों नहीं दिया फिर उनको मतलब लेट करके। पर राहुल गांधी जी ने साड़ी बातचीत सुनी है, लगभग 20-25 मिनट बात हुई है, और उनके और भी सीनियर लीडर थे, जयराम नरेश जी थे और वेणुगोपाल जी थे, सभी के साथ बहुत पॉजिटिव माहौल में बातचीत हुई है। तो ये साफ तौर पे जो है वो बातचीत की गई है सर, क्या मुद्दे थे जिन पे बातचीत हुई है, और दूसरी चीज ये कि जिस तरह से बातचीत हुई है कितने देर समय दिया राहुल गांधी ने आप लोग? देखिए, जो हमारी बातें थी जितनी समय में रखनी थी सारी बातें बहुत ध्यान से दिया, हरियाणा के, पंजाब के और दूसरी स्टेटों के MPs भी उनके साथ थे, जो एक्सपर्ट थे MSP पर या WTO पर उन्होंने भी, उनको भी बुलाया हुआ था, तो बहुत अच्छे तरह से वार्ता हुई, और इस वार्ता में यह निकल के आया भी हम सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं और विपक्ष हमारी संघर्ष को संसद में उठाएगा, तो उम्मीद करते हैं भी जल्द ही हमारे जो मांगे हैं MSP खरीद गारंटी कानून की वो कंप्लीट, उसके साथ साथ जो अत्याचार किया हरियाणा की सरकार ने, पहले गोली चलाई, हमारा एक साथी शहीद किया,
4-5 किसानों की आंखें गई, 433 घायल हुए, और जिन्होंने ये सब कुछ किया उनको राष्ट्रपति अवार्ड के लिए बीजेपी सिफारिश कर रही है, वो बातें भी रखी हमने अंदर। और जो लैंड जो भूमि अधिग्रहण बिल है जो कांग्रेस लेके आई थी, उसके बाद जो जो स्टेटें बीजेपी से संबंधित थे उन्होंने उन बिलों को रद्द करते हुए किसान से जमीन खोसने वाले जो बिल आए उसके खिलाफ भी वो जो है आवाज़ उठाएंगे। पास की भी दिक्कत हुई आप? हाँ, देखिए जब जाना था तो तब पहले जो साथी थे वो कहते आज तक दिक्कत नहीं आई है, किसानों के आने के बाद थोड़ी हलचल बढ़ी, तो उनका मकसद ये होगा जो समय दिया मिलने का वो समय निकल जाए और ये किसान अपनी बात विपक्ष के समक्ष ना रख सके, जैसी सरकार की और एजेंसियों की द्वारा संसद तक ना पहुंचे। जी जी, ऐसी चाल हो सकती है, संसद तक ना पहुंचे, आपका मुद्दा ये उनका। जी जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ये थी जो किसानों के साथ बातचीत हुई। साफ तौर पे आपने सुना किस तरह से राहुल गांधी ने आज मुलाकात की है संसद भवन के अंदर, पहले मीटिंग होनी थी, इससे पहले भी राहुल गांधी ने कहा कि मतलब बताया था बयान में अपने, साफ तौर पर खुलकर सामने आए और कहा था कि मीडिया बाइट के में कि किस तरह से उनके पासेस जो हैं वो नहीं बनाए जा रहे हैं और पासेस के द्वारा भी उनको अंदर जो है एंटर नहीं करने दिया जा रहा है। इस सब के बाद जो है पास के द्वारा इनको एंट्री मिलती है। पहले हुआ कि रेल भवन में मीटिंग होगी क्योंकि संसद भवन में एंट्री नहीं मिल रही थी किसानों को, लेकिन उसके बाद फिर एंट्री मिली और फिर जो है पार्लियामेंट के अंदर ही LOP जो है इनसे बातचीत करते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, उसके बाद इनके मुद्दे सुने जाते हैं और अब साफ तौर पर सदन में इनके मुद्दे उठाए जाएंगे। MSP की लीगल गारंटी को लेकर के जो बातचीत की गई है, इस पर क्या आगे निर्णय होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्य मिश्रा, A1 TV। भवन में राहुल गांधी किसानों के एक डेलीगेशन के साथ मुलाकात करने वाले थे, जिसे लेकर के लगातार सुबह से ही चर्चाएं चल रही है क्योंकि MSP की जो है गारंटी, उस मांग को लेकर के किसान वहां पे गए, उस पर चर्चा होनी थी और उसके बाद जो है आगे क्या खुलकर सामने आता है, ये सारी चीज़ें अहम थी। मगर इस सबके बीच एक कहीं ना कहीं जो है वो किसानों को अंदर एंट्री नहीं मिलती है संसद भवन के अंदर, जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलने के लिए उन्हें पास नहीं मिलते हैं, जिस लेकर के राहुल गांधी ने अपना एक बयान भी सुबह जारी किया था कि पता नहीं क्यों पासेस नहीं मिल रहे हैं, इसे लेकर भी हम डिस्कस करेंगे। जिसके बाद ये निर्णय हुआ कि रेल भवन में जो है यहाँ से बाहर निकलने के बाद रेल भवन में यहाँ पर बैठ करके चर्चा की जाएगी। चर्चा ये की जाएगी कि आखिर जो है MSP की गारंटी किस तरीके से केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए, और इसके बाद जो है इन सभी चीज़ों को निर्णय जब लिया जा रहा था उस दौरान पास को लेकर के जो अंदर बातचीत की गई, तो फिर पास बनाया गया, पास बनने के बाद किसान अंदर गए, जिसके बाद उनकी चर्चा हुई। चर्चा राहुल गांधी के साथ साथ बड़े बड़े कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे वो सभी वहाँ पे मौजूद थे, जयराम रमेश से लेकर के जितने भी बड़े लीडर्स थे वो सभी, गुरदीप सिंह सप्पल हो या फिर अन्य जितने भी लीडर, वो सभी वहाँ पे मौजूद थे। और इस पर साफ तौर पर चर्चा की गई कि आखिर MSP की जो गारंटी है वो लीगल गारंटी किस तरीके से जो है वो किसानों को मिले, इस पर चर्चा की गई, और किस तरह से केंद्र सरकार पर दबाव बनाना है इसे लेकर के भी जो है वहाँ पर डिस्कशन किया गया। मीटिंग में साफ तौर पर इस बात को लेकर के जो है वो निर्णय लिया गया है कि आने वाले समय में संसद सत्र में किस तरह से इसे लेकर के चर्चा की जाएगी। और इसके साथ ही जो है अब किसानों के डेलीगेशन के साथ बातचीत खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने इसे लेकर के कहा भी है कि हम सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्य मिश्रा, A1 TV।